एक आखिरी बोलो 200 को छोड़ के क्या रहेगा। 210 10 बीस छोड़ के बोल, मैं फाइनल बोल दे, मैं दे दूंगा। चल कितना करेगा? 220। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर एक बार अपन आए हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत ज्यादा दिन हो गया है, ऑलमोस्ट एक वीक हो गया अपन ब्लॉग ने बनाए। तो बस आज अपन ब्लॉग स्टार्टिंग कर रहे हैं कुछ दोपहर के एकदम कड़क धूप में 12 बजे। तुम लोग अभी जा रहे हैं, मैं, फैजान एंड अभी हम लोग तीनों जा रहे हैं FS, जो कि तुम लोगों को पता है बहुत ही ज्यादा फेमस मार्केट है, फैशन स्ट्रीट मुंबई। तो फैजान भाऊ आ गए हैं। फैजान भाऊ भी वहाँ पे जाके उसके गर्लफ्रेंड के शॉपिंग करने वाले। नहीं है क्या? झूठ बोलता रहे, गर्लफ्रेंड नहीं है। कल दादर में वो रोज किसको दिया तूने? रोज किसको दिया है? वो बंदे की भाई। लेट है, हम लोग 12 बजे निकलने वाले थे, अब तक रेडी हो रहे हैं। ये ब्लॉग है वो एकदम पूरा शॉपिंग का ब्लॉग होने वाला है, कपड़ों का ब्लॉग होने वाला है। बहुत सारी चीजें तुम लोग को देखने मिलेगी मार्केट के अंदर, बहुत ही फेमस मार्केट है मुंबई का। तुम लोग लास्ट तक ये वीडियो देखते रहना, बिकॉज तुम लोग को काफी ये फायदा दे सकता है ब्लॉग। आजकल स्कूल कॉलेज वगैरह चालू हो गए बच्चों के, बहुत ज्यादा फायदा होता है, लोगों को शॉपिंग वगैरह करनी होती है सस्ते में, लाइक एकदम चीप रेट में शॉपिंग कहाँ पे होती है वो मैं एग्जैक्ट आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। आज हम लोग जा रहे हैं बस से एंड ट्रेन से। कैसा लग रहा है आज? पता नहीं, लास्ट में कभी बस से ट्रैवल किया था, आज हम लोग बस से ट्रैवल करेंगे, बट एसी बस से ट्रैवल करेंगे। और एसी बस का टिकट सिर्फ 5, तो 5 रुपए मतलब बहुत ज्यादा पैसे बचेंगे ना भाई। हम लोग एसी बस से तो आए, बट एसी बस का बस के अंदर बिल्कुल 1% भी फील नहीं था। अरे क्या होता है, मेरे को तो एसी का हवा बिल्कुल नहीं आ रहा था। तू आगे बैठा। अरे पूरा पसीने से भीग गया, लिटरली पसीने से भीग गया मैं। अरे यार शिव हुआ नहीं, इसमें आया था। हाँ मैंने देखा, इधर ही था, इधर ही खड़ा था। इधर नहीं, दादर साइड कॉर्डिनेट ले रहा है, तरह इधर ही खड़े थे। और बहुत ही अच्छी बात है, अभी बुड्ढे लोग को हेल्प कर रहे हैं। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। देखो ये बैग अभी इनकी हेल्प कर रहे हैं। आपको ट्रेन से ट्रैवल करके मजा आ रहा है? मजा आया, टाइम बच रहा है और पैसा भी बच रहा है ना। बहुत दिनों के बाद स्टेशन देखे, थोड़ा अच्छा लग रहा है। चर्च गेट भुयारी मार्ग, इसके अंदर भी एक मार्केट लगता है। मार्केट जस्ट ओपन हो गया। देखो भाई कैसे नाच रहे, देखो ये लोग। भाई कितने का हो? 100 रुपया भाई, 100 रुपया अभी। और हम एंटर किए हैं फैशन स्ट्रीट में। टी शर्ट एक नंबर है अभी तेरे लिए, मस्त है। कितने का भाई वो वाला ब्लैक वाला? 300 रुपया, 200। हाँ गर्मी जो बढ़ गई है, गन्ने का जूस बोलो पीना जरूरी है, क्या बोलते? लड़कियों का भी है इधर तो, क्या लेना है? बैग लेना है गर्लफ्रेंड के लिए? क्यों रे कितने का? 850। कुछ कम नहीं होगा? कम करके ले लो, 800 लगा दे बस। वो गाड़ी में अपन कितने लगा दे? हवा भरने का पंखा नहीं, लाइट है वो पंखा दिखाना जरा। हाँ हाँ दिखा। मतलब कैसा है, चार्जिंग वाला है क्या? चार्जिंग चालू करे जरा इसको। कितने का ये? 350। चार्जिंग कैसे करने का इसको? मोबाइल चार्जिंग करने का। अच्छा वैसा। तो ये कितना टाइम चलता है आपको पता है? 8 घंटा चलता है। बड़ा वाला 6:30 सही है भैया? बहुत तगड़ा है यार, शूज बहुत खतरनाक खतरनाक दिख रहे। चलो अच्छा ये वाला कितने का है? ये वाला 200 रुपया फिक्स रेट है, कुछ कम नहीं होगा? और चाचा का तो बहुत ही मस्त मस्त कलेक्शन है यार, एक नंबर कलेक्शन है, मस्त अच्छा लगा देख के। कितने का शर्ट? ऐसे साइज का एक्चुअली मार्केट में मिलता नहीं ना भाई, थोड़ा तकलीफ होती है। नहीं नहीं ये इनका ही साइज है, बड़ा दे दूं और एक्सेल दे दूं? बड़ा चाहिए देखो, सही है, कलर अच्छा है, बराबर है आपका, जब पहनेंगे तभी मालूम पड़ेगा, ऐसा नहीं आपको मालूम पड़ेगा। शर्ट का क्वालिटी तो मस्त दे रहा है ना, क्वालिटी देखो पहले भाई, पूरे लैक्रा मटेरियल है, एक साल कैसे क्या हो रहा है? कितने का बोले? उसके बाद 700 है भाई, कम हो जाएगा, फिक्स नहीं है, बार्गेनिंग होता है भाई। ना होगा लास्ट क्या देंगे बोलो भाई, तुम्हें करेंगे चल रहे हो ज़्यादा। फिर लेने वाला आपका क्या रहेगा? वो कितना चाहिए? लेना है तो बोल के जाओ, लेना है तो बोल के जाओ, ना हो रहा
इधर आ जाओ भाई, इधर अच्छा लगता है। उधर क्या बोल रहा हूँ, फाइनल कितना रहेगा? फाइनल 300। साढ़े 300 फाइनल 300 साढ़े 300 भाई सही है। वो दे रहा जा रहा ये जा रहा पैसे दे के आ रहा मार्केट में। 400 करना भाई, 400 नहीं जो बोला उतना। मैं तो थी राइट हैंड से गुड लक करा के जाओ भाई। चलो गुड लक। लाला पैसे देना, कितना दे रहा हूँ? 300 देना अभी। ला बोली बोला फाइनल वाला तू। 350 बोला ना भाई, 300 बोला अभी। तो 300 बोला, 300 आ रहा तुम्हें? यार अभी 300 में, अभी 350 तो बोला ना यार। पैसा वो दे रहा है इसलिए 300 दे रहा तुम्हें आ रहा हूँ। कलेक्शन तो बहुत प्यारा प्यारा, गोवा वाला भी इधर। शॉप नंबर कितना है? A4 शॉप नंबर। तो आप लोग अगर FS आ रहे हो तो तुम लोगों को ना यहाँ पे बार्गेनिंग स्किल्स रहना काफी जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे ना जो 200 रुपए के शर्ट के 400 रुपए दे के आएंगे, पूरी बर्बादी करके आएंगे, घर जला के आएंगे। उसे 650 बोला हमने, वो शर्ट 300 रुपए में लिया। लाइटर है और देखते देखते अपने भाई का। भाई ये शर्ट दिखाओ ना दोनों। दानिश भाई अच्छा आज बर्थडे। ये थोड़ा आगे भी ऊपर नीचे हो गया भाई। फट से आ जाएंगे, फट से आएंगे पूरे। कितने का इसका प्राइस? क्या 150 रुपया चलो। 150 का सेल है, कोई भी घड़ी 150 का है भाई। सब 150 माफ करना। चलो 150 का सेल है, 150 का सेल है। देख तेरा फास्ट, घड़ी घड़ी वाले घड़ी घड़ी वाले तेरा फास्ट। चलो 150 मिल लीजिए, 150 मिल लीजिए। देख 150 का सेल है, चलो ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। चलो 150 का सेल है, घड़ी तो अच्छी है वैसे। इसके अंदर अभी बासी, अभी बासी का ब्रांड है इसके अंदर। क्या अभी बासी कहाँ पर ना क्या? पहनने के लिए कितने का भाई? किचन 50 के है। कोई भी 50 का? ये क्या भाई? ये लाइटर एंटी क्या रे? कितने का ये? 750 का। क्या कलेक्शन है भाई, खतरनाक। मतलब छोड़ दिया, ज्यादा पहनता नहीं ना। अगर मैं यहाँ से 5-10 तो रिंग ले लेता हूँ। रिंग का सबका एक ही पाइएगा? रिंग कोई भी लेंगे 50 का, कोई भी रिंग 50 का। अच्छा तो इसमें से 30 एंड इसमें से कोई भी रिंग 50 में, तो ये सेम रिंग अंधेरी मार्केट में 350-400 रुपये में बेचते हैं। क्यों के लिए बहुत बहुत प्यारा कलेक्शन है यहाँ पे, सिर्फ लड़के लोगों का नहीं है, लड़की लोगों का भी बहुत प्यारा कलेक्शन है। इधर बेल्ट का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, प्यारा इधर कलेक्शन। बेल्ट का क्या देखो रे भाई, ये तो बार्बर मंकी का कैप देखो, ये कैप 1200 का आता है वहाँ पे। तो सच्चे का बहुत प्यारा कलेक्शन है चाचा। कितना है इसका? इसका कितना भाव है? 200 रुपये। कोई भी कैप वो दिखाओ ना, वो ब्लैक वाला, ब्लैक दिखाओ, वो काला वाला दिखाओ। बोलो बोलो कपड़ा देखता हूँ कैसा पहले। तो बोलो ना कितना लेते हो? 2-3 हज़ार रुपये। 3 हज़ार का कॉटन है, ओरिजिनल। अच्छे लोग ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये पहना है 120 की पहना है। बोलो लास्ट, बोलो तुम्हारे कितना फाइनल? बोलो 150 का बराबर है उसका, एडजस्ट करके बोल रहा हूँ। 200 को डॉके वीडियो बना रहा है, 200 दो। अरे 150 दो। आपका शॉप नंबर कितना है? 2000 मेरे पे बहुत कर्जा हो रहा है भाई, वो तेरा जाने को करने के लिए फैशन शो। अरे कर्जा कर्जा खर्चा रही 150 में, तो गिनती करके रखो, बाद में रात को ले लेंगे। मारा क्या? हाँ मारा। आज के लिए मेरा ये कैशर है, तो पूरा पेमेंट ये करने वाले उसको। अरे घर में कलेक्शन तो देखो भाई मस्त एकदम कड़क। किसके लिए ले रहे हैं? बता दिख रहा है कि नहीं बंदा? कितने का भाई गोवल? 100 रुपये। कोई भी ये वाला
खतरनाक है। पेन 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 अच्छा दिख रहा है पेन ना एल वी का क्या मजा नहीं पागल हुए एक नंबर लग रहा है पागल हुए ठीक से रेटेगा भाई बार्गेनिंग नहीं वो सब पता से बोल सकते लेकिन नहीं बोला अच्छा सब उनका खराब मत करा नहीं ये रखेगा वापस देखना तो फल बनता है भाई क्या बोलता है भाई अबे तेरे लिए थोड़ी लेडीज गया हूं तू ही बन के घूम सकता है अच्छा ही और क्या चाहिए चाचा के टी-शर्ट के कलेक्शन बहुत प्यारे हैं अरे कितना है कॉस्ट इसका 550 रुपया फिक्स रेट है तो अभी को एक टी शर्ट लेना है वो टी शर्ट की कॉस्ट कितना है बोल रहा था रे 750 वो तो बोलने के लिए कितना है बोले 700 800 900 भाई ये कितने का ये 1200 रुपये अबे पेन ये एमसी स्टैंड कितना है कॉस्ट 150 रुपये क्या कॉस्ट क्या है भाई इसका कितना है 250 उसमें देने का 150 हो रहे 150 हो रहे कवर 195 का बोल रहे नहीं कितना इसका 250 भाई 150 का नहीं है वो अरे ये पैसा दिख रहा है फिर दुबई इधर देख कितने बचे हैं भाई बोलेंगे 100 नहीं देखो अब ले तेरे लिए देखो ये गोगन हम लोग ने लिया है 100 रुपए में जो कि वायर मार्केट में ऐसी फ्रेम रहती है वो बहुत महंगी मिलती है महीने बोल के 1-1500 रुपए में बेचते लोग हम लोग 100 रुपए में लिए भाई अगर तुम लोग यहाँ पे मार्केट में आते हो तो आप लोग ना बार्गेनिंग स्किल्स में बहुत अच्छे रहने चाहिए अगर यहाँ पे शॉपिंग करनी है तो बिकॉज यहाँ पे कैसा सीन है पता है यहाँ पे ये लोग ना रेट जब भी कोई देखते हो लोग यहाँ पे रेट लोग डबल ट्रिपल चौबल रेट बोलते है ऐसे कस्टमर को लूटने की कोशिश करते है बट तुम लोग बार्गेनिंग में स्मार्ट रहने चाहिए बस 600 रुपए बोल रहे तो आप डायरेक्ट 150 और 200 बोल देने का तभी जाके आपको 200-250 रुपए तक चीज मिल सकती है एंड सस्ते में चीजें मिल सकती है 1000 रुपए में बहुत सारी चीज आप खरीद सकते हो ये देखो तुमको मैं बता रहा हूँ हम लोग मुझे मालूम है वीडियो ले ले हाँ वीडियो को कुछ आवाज नहीं वीडियो तो हम लोग लेंगे कितना देगा भाई इतना भी कम मत बोल यार तो तुम तो बोलो भाई एक काम कितना करेगा अरे यार ठीक है वो कपड़ा वपड़ा कंटल आया सुन के 700-800 रुपए का समझ गया फाइनल कितना करे उसको हटा के बोलो मैंने खरीदी है अगर हम लोग को 700-800 में खरीदना होता था डायरेक्टली पैक करूंगा 200 को छोड़ के कितना करेगा नहीं मैं भी जीत करूंगा 650 बराबर ना तू ले पाएगा ना मैं दे पाऊंगा तुम बोल लो अभी लास्ट कितना हूँ 200 पकड़ के बैठे ले 450 देंगे नहीं भाई फिर लास्ट क्या रहेगा 450 बोल दो मैं दे देता हूँ चलो एक आखिरी बोलो 200 को छोड़ के क्या रहेगा 210 10 बीस छोड़ के बोल मैं फाइनल बोल दे मैं दे दूंगा चल कितना करेगा लास्ट 220 चल 220 में दे दो चलो चलो यार टाइम पास मत करो भाई कसम से नहीं हो रहा यार मैं लेना हूं अभी मेरे को बोला कि मेरे को लेना ही है मैं तो देना चाहता हूं भगा का फायदा नहीं है वो तो मालूम है भगा का फायदा भी नहीं है बट मैं तुमको बोल रहा हूं 1 लाख उतनी दुकान नहीं क्या इसलिए फाइनल एकदम लेने देने वाला फाइनल बोल दो मैं दे दे फाइनल बोल एक फाइनल 220 को आ जा 226 चला अभी दे दो यार अरे राउंड फिगर बात कर तीसरा बड़ा है अभी ये टेक्निक है कि अगर बार्गेनिंग करते हो वो लोग देंगे नहीं ना तो भाग जाने का वो लोग बुला देते दो चमाट दिए हम लोग ने तो बार्गेनिंग करने सीख गया बंदा क्या बार्गेनिंग किया है बंदा बार्गेनिंग कैसे करता है अच्छा ना तो गाइस भाई के पास कलेक्शन तो बहुत तगड़ा है और यहाँ पे मुझे एक टी शर्ट बहुत पसंद आया अब ये बट बहुत महंगा बोल रहे यार कर्मा लिखा हुआ है मार्केट का टाइमिंग क्या है मार्केट का हाँ सुबह 10:30 बजे से रात को 10 बजे तक अच्छा बंद होता है तभी भी ये मार्केट कितना बड़ा है मतलब कितना किलोमीटर रहेगा ऐसा 400 दुकाने हैं ले लिया है। हाँ भाई। क्या प्यारी चप्पल यार बच्चों की
अगर आप लोग ये मार्केट में आ रहे हो तो याद रखना एक दिमाग में कि आपको बहुत चलना पड़ेगा भाई, बहुत 400 दुकानें मतलब समझ जाओ कितना चलना पड़ेगा। और यहाँ पे सब मार्केट लाइटर हो गया, ट्रिमर, ड्रायर, कपड़े, जीन्स पैंट, लड़कियों के ड्रेस, टॉप, सब सब चीजें मिलती है यहाँ पे। अगर हम लोग रोड क्रॉस करके वहाँ पे कोई एक मार्केट है वो मार्केट में जा रहे हैं, बिकॉज एफएस में हम लोग चल चल के बहुत थक गए। तो ये रहा एफएस का मार्केट एंड ये क्रॉस करके वो साइड एक मार्केट है, तो वो मार्केट हम लोग जा रहे हैं अभी। चलो 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 आयो मा। ओके सो गाइस यहाँ पे हमको देखना है बुक। अरे बुक चाहिए था मेरे को क्या, 21 लेसन फॉर 21 सेंचुरी है क्या, दिखा जरा। ओपन लिया है ये बुक, 21 लेसन फॉर द 21 सेंचुरी, सिर्फ 100 रुपये में लिया है। बहुत दिनों से हम लोग ये बुक ढूंढ रहे थे मैं और फैजान, फाइनली हम लोग को ये बुक मिला यहाँ पे, वो भी 100 रुपये। तो भाई एक ऐसी एक लेन है पूरी ओपन लेन है। ये गार्डन का नाम क्या भाई, ये गार्डन का नाम आज़ाद मैदान। अच्छा आज़ाद मैदान है, यहाँ पे सब धंधे लगे हुए। तो यहाँ पे जो कपड़े मिलते हैं तो यहाँ पे फिक्स रेट है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग मत करना बिकॉज ये लोग इतना बेचारे धूप में खड़े रह के मेहनत करके काम करते हैं। 150, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। यहाँ पे सब 100 और 200 वाला माल चल रहा है भाई। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे ब्लॉग बनाने आए हैं, रोज कॉलेज वगैरह स्टार्ट हुए इसी। मतलब बंदे ने ज्यादा खरीदा, ये बंदे मेरा पूरा भाई। हां ये बंदे ने बहुत ज्यादा शॉपिंग की है, हमने कुछ किए भी नहीं। तो हमने कुछ ज्यादा शॉपिंग किया है तुम लोग। यहां पे सिंह खा रहे हैं हम लोग अभी, बहुत भूख लगी है। ओके सो हो गया हम लोग का फाइनली एफएस घूमकर, बस अभी हम लोग जा रहे हैं रशीद भाई के पास। हम लोग कुछ खरीदना नहीं है वैसे रशीद भाई के पास, बस हम लोग को रशीद भाई से मिलना है, इसलिए हम लोग रशीद भाई से मिलने जा रहे हैं। बिकॉज चर्चगेट आए, सीएसटी के पास में आए और रशीद भाई को नहीं मिले, ऐसा कभी हुआ नहीं है। रशीद भाई के गली से जाते हुए ओके कैसा हो, किससे कर रहे हैं यार? अरे वो मतलब ट्रैफिक में थोड़ा कम्फर्टेबल बता रहे मेरे को, ऐसा घूमने के लिए ऐसा फटफट। उलान जी क्या है, मैं ये वॉलेट लगा के कब से ब्लॉग कर रहा था, तो रशीद भाई ने ऐसा कुछ एंटी कैसा गैजेट दिया मुझे। बस ये जो रशीद भाई ने दिया है इसकी क्रीप बहुत ही प्यारी है, देखो आराम से इससे शॉट ले सकते हैं। पकड़ अरे क्रीप आराम से इसे पकड़ के ऐसा ब्लॉग कर सकते हैं। थैंक यू रशीद भाई, चलो मिलते बाय। तो गाइस हम लोग को अभी थोड़ा घाई घाई हो रही है क्योंकि भूख तो लगी है, बट अपने भाई को जाना है गर्लफ्रेंड से मिलने क्योंकि गर्लफ्रेंड को 4 बजे का टाइमिंग दिया है और यहाँ पे हमारे 4 बज गए। तो देखो क्या लगता है अभी गर्लफ्रेंड क्या इससे बात करेगी, झगड़े हो गए क्या होगा आगे, आपको क्या लगता है क्या बोलेगी गर्लफ्रेंड? किधर आते हो, यहाँ की एकदम स्पेशल मसाला इडली और मसाला वड़ा पाव फेमस है। अरे इडली भी इसके अंदर डालते हैं, वड़ा पाव ठीक है भाई, इडली वैसे ही बना एकदम जमा के बटर, ऐसे पूरा बटर में भीगा हुआ पाव। और ये अपना रेडी हो गया मसाला इडली। बस अभी मैं फ्रेश तो हो गया है घर पे आकर, बहुत ही ज़्यादा थकने हो गया आज बिकॉज कुछ अलग एडवेंचर किया आज हम लोगों ने ट्रेन से जाके, एंड वहाँ से इतना चलना मतलब भाई आदत टूट गई है, तब से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आदत अच्छी नहीं है गाड़ी की ज़्यादा। तो इसलिए मैंने आज बोला कि आज मैं चल के जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा एंड बस से जाऊँगा। बॉम्बे से लिया ये एक बुक लिया है मैंने, ये बुक मुझे बहुत दिनों से लाइक चाहिए था, लिए अपन ने ये 100 रुपीज की कैप। एंड रशीद भाई से लिया है मैंने ये सक्शन कैप लिया है, सॉरी हेलमेट का जो माउंट लगाने का गोप्रो लगाने का माउंट है, देन ये बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे लगी जो रशीद भाई ने मुझे दी है। उसके बाद है अपना ये कार के अंदर का कैमरा सेक्शन कप ब्रैकेट। तो थैंक यू सो वेरी मच रशीद भाई ये सारी चीजें मुझे देने के लिए। तो रशीद भाई मतलब भाई रशीद भाई साहब भगवान आदमी कोई नहीं है दुनिया में, तो बहुत दिल के बड़े आदमी है। तो एनीवेज आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो व्हाट्स एवर रीजन अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड नए हो तो तुम लोग सब्सक्राइब करो एंड बाजू की घंटी भी दबा देना, बहुत दिनों के बाद मैंने बोला यार ऐसा। तो मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।